शायद ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये दुनिया कितनी सुंदर है। विज्ञान की खोजों ने इसमें रहने वाली मानव जाति को सहूलियत से जीने का मौका दिया है। आज का मानव दुनिया का कोना कोना देख सकता है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब जीवन सुरक्षित हो। यानी जब जीवन हो तब ही किसी को इसकी खूबसूरती में जीने का मौका मिल सकता है। इस दुनिया में प्राणियों की तो लाखों प्रजातियां हैं, लेकिन मानव की एक ही प्रजाति है जिसमें जन्म लेना सबसे बड़ा वरदान है। ये सब कहने का आशय है कि इस दुर्लभ जीवन को सुरक्षित करना कितना मुश्किल है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे जीने की औसत आयु 50 वर्ष से कम थी, लेकिन आजादी के बाद अब औसत उम्र काफी बढ़ गई है, जो लगभग 60 से 70 के बीच है। औसत मृत्यु दर उम्र के इस अंतर का मुख्य कारण है कि पिछली 2 सदियों से ऐसी खोजें हुई हैं जिन्होंने ऐसी बीमारियों के इलाज निकाले हैं जो असाध्य मानी जाती थी। इनमें से एक बीमारी टीबी का आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी समाप्ति के लिए आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। आज ही के दिन यानी 24 मार्च 1882 को जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने विश्व के वैज्ञानिक समाज के सामने इस तथ्य को सामने रखा, जिसमें बताया गया कि ये बीमारी एक बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस की वजह से होती है। उनकी इस खोज ने मानव सभ्यता को आशा की एक किरण दिखाई। इस पर आगे चलकर इस असाध्य बीमारी को खत्म करने की दवाइयां बनाई गईं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय इस बीमारी ने यूरोप और अमेरिका को अपनी चपेट में इतना ले लिया था कि वहां होने वाली 7 में से 1 मौत टीबी से हो रही थी। इस घटना के 100 वर्ष बाद यानी 1982 में इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज यानी कि IUATLD ने प्रस्ताव रखा कि 24 मार्च को आधिकारिक रूप से वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाए। इस अभियान का स्लोगन था डिफीट टीबी नाउ एंड फॉरएवर। हालांकि यह कार्यक्रम WHO द्वारा प्रायोजित था, लेकिन अगले एक दशक तक इसे अधिकृत रूप से नहीं मनाया गया। वर्ष 1996 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रॉयल नीदरलैंड ट्यूबरकुलोसिस फाउंडेशन, IUATLD और विश्व की अनेक संबंधित संस्थाओं ने पूरे विश्व में इस दिवस को मनाने का अभियान छेड़ा। वर्ष 1997 में WHO के वर्ल्ड टीबी प्रोग्रामर डॉक्टर अराटा कोची ने भरोसा दिलाया कि आज इस रोग के निदान में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है उससे इस रोग को खत्म किया जाएगा, और इसे न केवल विकसित देशों से बल्कि गरीब देशों से भी मिटाया जाएगा जहां पर इस रोग के 95% रोगी उपस्थित हैं। Globalization has not only opened trading routes, it has also allowed diseases such as tuberculosis to spread across countries. No one is safe or should consider himself or herself safe from tuberculosis. It is in every country. It is where poverty thrives in poor countries. It is among the poorest fragments of the population in rich countries. It affects children, women, men, the elderly. It especially affects the most vulnerable people in a society, those living with HIV/AIDS, children, pregnant women, people suffering from diabetes and malnutrition, smokers. We are at a crucial tipping point. The rise of forms of tuberculosis that are resistant to most of the medicine that we have available today and the existing financial gaps threaten to reverse the progress that we have made. If we stand against this ancient disease alone, it will continue to prevail. We need to unite to end this disease. अब हम जरा इस रोग पर खोज करने वाले जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट कोच के बारे में थोड़ा जान लें। 1866 में कोच ने मेडिकल की डिग्री ली और इस परीक्षा में वो सर्वोच्च स्थान पर रहे। फ्रांस प्रशिया युद्ध में उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं भी दी। 27 मई 1910 में हृदय की बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई।
सफलता सिर्फ प्रतिभा के बल पर ही नहीं मिलती है, बल्कि इसके लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है। आज हम ऐसी ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी युवा का जिक्र कर रहे हैं, जिसने अपनी प्रतिभा और लगन के चलते बहुत कम उम्र में बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। जी हाँ, आज हम जिक्र कर रहे हैं जयपुर में जन्मी युवा प्रतिभा चारू शर्मा की, जिन्हें यूथ इनकॉर्पोरेटेड मैगजीन ने मार्च 2012 के अंक में पावर वुमन की लिस्ट में शामिल किया था। उल्लेखनीय है कि इसमें चारू के अलावा ओपरा विनफ्रे, मेलिंडा गेट्स, सोनिया गांधी, देविता सराफ और कृष्णा पाटिल जैसी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल हैं। चारू एक एक्सप्लोरर यानी अन्वेषक, खिलाड़ी और एक कलाकार भी हैं। जब उन्होंने विश्व के सातों महाद्वीपों का अभियान पूरा किया तो उन्हें 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से तो सम्मानित किया ही गया। इसके अलावा उनके जीवन पर आधारित एक पाठ महाराष्ट्र की 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। चारू का जन्म 24 मार्च 1992 को एक बहुत पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। चारू को SSC की परीक्षा में 95% अंक लाकर प्रतिष्ठित DG रूपा रेल कॉलेज में विज्ञान में प्रवेश मिला। उन्होंने विशेष योग्यता के साथ यहां से परीक्षा पास की। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अपेक्षित परीक्षा उन्होंने पूरे नंबर से पास कर होलियॉक कॉलेज में प्रवेश लिया। एक मेधावी छात्र होने के अलावा चारू एक खिलाड़ी भी हैं। वो ताइक्वांडो और कराटे की ब्लैक बेल्ट धारक भी हैं। उन्होंने साउथ कोरिया के चुनचेओन में 2009 में हुई इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा उन्होंने स्विमिंग, ट्रैक एंड फील्ड, जंप रोप, टग ऑफ वॉर, रोलर स्केटिंग, फेंसिंग और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया। दिसंबर 2011 में वो पेंगुइन प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका अभियान पर भी गईं। वो कई महत्वपूर्ण हस्तियों से मिली। उन्होंने जॉर्जिया के राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली के चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर के साथ एक इंटर्न के रूप में भी काम किया। जॉर्जिया में उन्होंने भारत और अमेरिका के राजनैतिक विषयों पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने इटली में हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मिस्टिक सी पोर्ट में समुद्री भूविज्ञान का सम्मेलन भी आयोजित किया। तब से वो नासा वैज्ञानिकों, भौतिक शास्त्रियों और समुद्र विज्ञानियों के साथ काम कर रही है। I was commuting in a local Mumbai train with my mother and younger brother Chinmay. He was 6 at the time. And out of the blue, these two robbers, they attacked my mother. And we were these little kids and we were afraid. But it was our mother. So we jumped in and we fought with them. And thankfully, we were able to chase them away. So the Indian Prime Minister gave us the National Bravery Award. And this recognition for our actions was a huge boost in our self-confidence. I went on to receive black belts in karate and taekwondo, and learning that taking risks can pay off and speaking up for yourself can pay off was a great lesson, and it changed the very course of our lives. तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी उन्हें मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। यही वो घटना थी जिसे सिबलिंग गैलेंट्री पार्ट के नाम से महाराष्ट्र के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। चारू को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा उन्हें 2009 में शिक्षा के लिए नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, 2006 में खेल और साहसिक अभियान के लिए FIE फाउंडेशन नेशनल अवार्ड, 2003 में जीवन रक्षा पदक और 2002 में नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट दिया गया। इसके अलावा चारू को कई क्षेत्रों में 1000 से ज्यादा अवार्ड मिले हैं। देश की इस बहुमुखी प्रतिभा को आज उनके जन्मदिन पर इस उम्मीद के साथ कि वो आगे वर्षों तक देश का नाम ऊंचा रखेंगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको पता चले कि एक आदमी ने खुद को जबरदस्ती पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवाया है या फिर उसने खुद अपनी कब्र खुदवा के अपने को जिंदा दफनाया है, तो आपको अवश्य ही लगेगा कि उस इंसान के दिमाग का पेच थोड़ा ढीला है। लेकिन ऐसे करतब करने वाला ये इंसान 19वीं और 20वीं सदी में अमेरिका के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक गिना जाता था। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे विख्यात जादूगरों में से एक, हैरी हुडिनी की, जिनका आज जन्मदिन है।
हैरी हुडिनी के करतब इतने अनोखे और अविश्वसनीय होते थे कि लोगों को कई दफा उनके जादू टोने की प्रथाओं में शामिल होने का शक हुआ करता था। हैरी हुडिनी का जन्म 24 मार्च 1874 को एरिक वीस के नाम से हंगरी के बुदापेस्ट में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक रब्बाय यानी यहूदियों के पुजारी थे। हुडिनी 4 वर्ष के थे जब उनका परिवार अमेरिका चला गया और हमेशा के लिए वहीं बस गया था। 9 वर्ष की उम्र से ही हुडिनी ने पेशेवर रूप से करतब करने शुरू कर दिए थे, लेकिन शुरुआत में उन्हें ज्यादा सफलता न प्राप्त हुई। उनकी किस्मत का सितारा चमका 1899 में जब वो मार्टिन बेक से मिले, जो आगे चलकर उनके मैनेजर बने। मार्टिन की सलाह पर हुडिनी ने ऑफियम वॉडविल सर्किट में जंजीरों से बंधने के बाद उन्हें खोल के बाहर आने का करतब किया। ये करतब दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय रहा। उनकी अगली बड़ी सफलता थी जब उन्होंने लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस स्टेशन में खुद को गिरफ्तार करवाया, ये साबित करने के लिए कि वो इतने अधिक रक्षा बल के बीच से भी भाग के निकल सकते हैं, और उन्होंने ऐसा साबित भी कर दिखाया। पुलिस को इस तरह से चकमा देने से जनता तो बहुत खुश हुई, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें 6 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद से हुडिनी हैंडकफ किंग के नाम से लोकप्रिय हो गए, और बाद में उन्होंने रूस, फ्रांस, स्कॉटलैंड, जर्मनी की पुलिस के साथ भी ऐसी आंख मिचौली खेली। Houdini eventually started experimenting with escape acts. This is when his career really started to take off. By the end of the 19th century, Houdini was touring the top vaudeville theaters in America on the strength of his handcuff escapes. In fact, he even became known as the Handcuff King. In this particular act, he used technical expertise, physical dexterity, and of course, a bit of trickery to wow his audiences. He increased the difficulty of this trick by performing it underwater or by leaping off a bridge before his escape. हुडिनी के एक और करतब ने लोगों को हैरत में डाल दिया था। इसमें उन्हें जंजीरों से बांधकर पानी से भरे एक कनस्तर में उल्टा लटका दिया जाता था और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाता था। ये करतब बहुत जोखिम भरा था, इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन हुडिनी जब इतने लंबे समय के लिए पानी में सांस रोक कर और हाथ और पैरों की कड़ियां खोल के बाहर आते थे तो लोग आश्चर्यचकित हो पड़ते थे। ऐसे करिश्मे करने वाले हुडिनी पर कई आलोचकों ने जादू टोना करने का इल्जाम भी लगाया, लेकिन ये इल्जाम कभी कोई साबित नहीं कर पाया। हुडिनी का एक और जानलेवा करतब जिसने दर्शकों के होश उड़ा दिए थे वो था उनका बरीड अलाइव स्टंट। इसमें हुडिनी को एक ताबूत में बंद करके 6 फुट गहरे गड्ढे में दफना दिया जाता था। उस गहराई से रास्ता निकाल कर जब तक वो बाहर नहीं आ जाते थे तब तक दर्शक अपनी सांस रोक कर खड़े रहते थे। वैसे स्टंट के पहले प्रदर्शन में वो लगभग अपनी जान ही गंवा बैठे थे। हुडिनी अमेरिका और विश्व भर में इतने विख्यात हो गए थे कि उन्होंने कैप्टन नीमो सहित कई फिल्मों में काम किया। वो अपने समय के सबसे अधिक धनराशि पाने वाले अदाकार थे। हुडिनी की जिंदगी की तरह उनकी मृत्यु भी एक रहस्य बनके रह गई। हालांकि इस बात का कभी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन ये कहा गया था कि एक बार हुडिनी को जब एक युवा ने पूछा कि क्या ये सच है कि उन पर घूंसों का कोई असर नहीं पड़ता, तो हुडिनी ने इस बात की हामी भरी। इस बात को साबित करने के लिए हुडिनी की इजाजत के साथ युवा ने उनके पेट पर इतनी जोर से घूंसे मारे कि उनकी आंतें जख्मी हो गईं। 52 वर्षीय हुडिनी ने 31 अक्टूबर 1926 को अपना दम तोड़ दिया। हालांकि हुडिनी को गुजरे हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन उनके द्वारा किए हुए करतब आज भी कई जादूगर अपने करतबों में शामिल करते हैं। हुडिनी को उनके हैरत अंगेज करतबों और दिलेरी के लिए नमन। जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो बीते हुए दिनों में कुछ टीवी के कार्टून शोज और उनके चरित्र को जरूर याद करते हैं जो हमारे बचपन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। जहां लड़कियों का पसंदीदा शो पावर पफ गर्ल्स होता था, वहीं लड़कों को स्कूबी डू बहुत भाता था और कई युवाजन स्टोन एज परिवार वाले द फ्लिंटस्टोन के दीवाने थे। आज हम बात करेंगे इन सारे पात्रों को जन्म देने वाले एनिमेटर जोसेफ बारबरा की। जोसेफ बारबरा एक प्रभावशाली एनिमेटर, निर्देशक, निर्माता, स्टोरी बोर्ड और कार्टून कलाकार थे। इनके कार्टून, टीवी शो और फिल्मों ने दुनिया भर के दर्शकों का मनोरंजन किया था। जोसेफ बारबरा का जन्म 24 मार्च 1911 को न्यूयॉर्क में हुआ था।
जोसेफ जब मात्र 15 वर्ष के थे तब उनके पिता उन्हें और उनके परिवार को छोड़कर चले गए। तब उनके मामा ने उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया। जोसेफ को चित्रकारी का शौक बचपन से था। चित्रकार होने के साथ साथ हाई स्कूल में वो बहुत उम्दा बॉक्सिंग खिलाड़ी भी थे, लेकिन जल्दी ही उनकी बॉक्सिंग से रुचि चली गई और उन्होंने अपना पूरा ध्यान चित्रकारी पर लगा दिया। जोसेफ के करियर का ये वो समय था जब यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ग्रेट डिप्रेशन छा रहा था, इसीलिए उन्हें कार्टून कला में अपना करियर जमाने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़े। शुरुआत उन्होंने मैगजीन में कार्टून्स बनाने से की। 1932 में उन्हें वान ब्यूरेन स्टूडियोज में बतौर एनिमेटर और स्टोरी बोर्ड कलाकार नियुक्त कर लिया गया। वहां उन्होंने कभी बेयर और रेनबो परेड्स शो में काम किया। इसके बाद 1937 में वो कैलिफोर्निया आ गए, जहां वो MGM स्टूडियो में नियुक्त हो गए। यहां वो अपने भविष्य के व्यावसायिक साथी विलियम हैना से मिले। उन्होंने टॉम एंड जेरी के पात्रों पर आधारित कई शॉर्ट फिल्म्स बनाई, जिसमें से 7 ने अकादमी पुरस्कार भी जीते। में जोसेफ और विलियम ने मिलकर हाना बारबरा प्रोडक्शन के नाम से अपनी कंपनी स्थापित की। इस कंपनी के अधीन उनका पहला शो था द रफ एंड रेडी शो, जो कि एक कुत्ते और बिल्ली के संबंध पर आधारित था। इसके बाद उनके दो शो द हकलबेरी हाउंड शो और द योगी बेयर शो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। पर उनकी सफलता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उनका अगला कार्टून शो द फ्लिंटस्टोन्स, जो कि आजकल के समय में जी रहे एक स्टोन एज के परिवार के ऊपर आधारित था, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत पसंद किया गया। I mean, no one had even dared think about a Flintstone show. By that I mean a primetime animated show. Who could do that? I mean, how could you turn that out? A half hour a week? Are you kidding? You know? But Mitchell kept bugging us. He said, well, think about it, think about it. He was really our agent. He was our salesperson. He's the guy that set up the meeting. And then I would go and present the material. जोसेफ पर कई कार्टून कलाकारों ने कार्टून शो के प्रोडक्शन क्वालिटी गिराने का इल्जाम लगाया। जोसेफ का कहना था कि उन्हें टीवी शो के कम बजट को देखते हुए ये कदम उठाना पड़ा, या तो क्वालिटी का स्तर कम करो या इंडस्ट्री छोड़ के चले जाओ। और जोसेफ हार मान के बैठने वालों में से नहीं थे। 18 दिसंबर 2006 में जोसेफ ने 95 वर्ष की उम्र में अपनी आखिरी सांसें भरी। आज हम जोसेफ बारबरा को हमारा बचपन इन कार्टून्स द्वारा इतना खुशहाल बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं और उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी धुन के बड़े पक्के होते हैं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसे लोग बहुत सफल रहते हैं, लेकिन कभी कभी उन पर सनक भी सवार हो जाती है और इसी सनक के चलते वो चर्चित हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकन उद्योगपति जॉर्ज फ्रांसिस ट्रेन की, जिन्होंने अमेरिका में रेल रूट का निर्माण किया। इसके अलावा वो 3 बार पूरे विश्व की परिक्रमा करने वाले भी बने। 24 मार्च 1829 को अमेरिका के बॉस्टन में जन्मे जॉर्ज के माँ बाप बचपन में ही पीले ज्वर की महामारी से गुजर गए थे और उनका लालन पालन उनके दादा दादी ने किया। उनके दादा दादी उन्हें मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। वो बिजनेस की दुनिया में कूद गए। वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े उद्योगपति के रूप में उभरे। इसके साथ उन्होंने कई कॉरपोरेट हाउसेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी खड़े किए।
एक अमेरिकन उद्योगपति के रूप में उन्होंने केप होप से सैन फ्रांसिस्को के बीच समुद्री परिवहन सेवा शुरू की। इसके अलावा उन्होंने यूनियन पैसिफिक रेल रोड सेवा भी शुरू की। जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ी तब वो इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने हॉर्स ट्रैमवे कंपनी बनाई। 1860 में वो इंग्लैंड चले गए जहां पर उन्होंने ब्रिकेनहेड और लंदन में ट्रैमवे कंपनी की स्थापना की। वो आयरलैंड के कॉर्क में स्थापित की गई ट्रैमवे कंपनी के निर्माण से भी जुड़े हुए थे। यद्यपि उनकी ट्रैम सवारियों के बीच प्रसिद्ध थी लेकिन उनके द्वारा बनाया रास्ता सतह से ऊपर होता था जिससे अन्य प्रकार के ट्रैफिक में बाधा पड़ती थी। प्रशासन ने 1861 में उन्हें सड़क तोड़ने फोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने 1864 में यूनियन पैसिफिक रेल रोड की स्थापना की और अमेरिका में मिसूरी नदी के पूर्वी किनारे की तरफ पूरे महाद्वीप को जोड़ने वाले रेल रोड के प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने एक छद्म फाइनेंस कंपनी बनाई। इस कंपनी में वो सारे अधिकारी थे जो उनकी यूनियन पैसिफिक रेल रोड कंपनी में भी थे। 1870 में उन्होंने अपनी पहली विश्व परिक्रमा की जो कि 80 दिन में पूरी हुई। ट्रेन की इस यात्रा से प्रसिद्ध लेखक जूल्स वेर्न को प्रेरणा मिली और उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज नामक उपन्यास लिखा। अपनी इस यात्रा में वो कई लोगों से मिले जिनमें ग्रैंड ड्यूक कॉन्स्टेंटाइन भी शामिल थे। वो स्पेन की क्वीन से भी मिले और उनसे अपने रेल रोड प्रोजेक्ट के लिए धन की मांग की जो कि क्वीन ने स्वीकार भी की। इस धन की मदद से उन्होंने अटलांटिक और ग्रेट वेस्टर्न रेल रोड स्थापित किया। 5 जनवरी 1904 को इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी उद्यमी की न्यूयॉर्क में मृत्यु हो गई और उन्हें छोटे से समारोह में दफन कर दिया गया। आज वो भले ही इस दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन उनके किए कार्य को आज भी सराहा जाता है। इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में परिवहन के क्षेत्र में किए गए उनके काम को हमेशा याद किया जाता रहेगा। आज उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। और श्रोताओं, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह जाने से पहले आएगा आज के एपिसोड का सवाल। आज के एपिसोड के सवाल के अंतर्गत आपको इस गाने को सुनना है और सुनकर बताना है कि इसे किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। अपने जवाब हम तक पहुंचाइए सिर्फ और सिर्फ borntoberemembered@gmail.com पर। साथ ही आप चाहें तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं हमसे हमारे फेसबुक पेज facebook.com/borntoberemembered पर। अब मुझे यानी कि संदीप भट्ट को दीजिए आज यानी 24 मार्च के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा परछाई सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाई सपनों में। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख ईशा शिव, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,